मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। आज मैं फाइनली अपने पोस्ट पे पोस्ट हो गया, तो मैं सोचा कि आप लोग को बता दूं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। बिकॉज सीजन 2022 से 404 लोग आने वाले हैं यहाँ पे, 404। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप चेन्नई जोन में सेलेक्ट होते हैं, देन वॉट यू हैव टू डू थ्रू ऑल द प्रोसेसेस, हाउ टू गो थ्रू ऑल द प्रोसेसेस। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं चेन्नई जोन में सेलेक्ट हूँ, और फिजिकल और डीवी जो भी था सारा कुछ मैं आपको पहले बता चुका हूँ इससे पहले वीडियो में। अगर आप इसको पहली बार देख रहे हैं तो उसको एक बार देख लो जाके कि डीवी कैसे देना है, फिजिकल कैसे देना है, ठीक है। फाइनली जब आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा, जो कि मुझे 22 तारीख को मिला मोदी जी की मेहरबानी से, तो उसके बाद आपको क्या करना है, लेटर आपको मिलेगा, आप यहाँ आके रिपोर्ट करोगे चेन्नई हेडक्वार्टर में, ठीक है। आपको उस समय प्रेफरेंस फॉर्म जब भरना होता है, तो उसके लिए मैं एक अभी छोटा सा वीडियो डाल दूंगा प्रेफरेंस फॉर्म कैसे भरना है। आपको मान लीजिए कि आपको जोन मिल गया, ठीक है, जैसे कि मुझे मदुरई जोन मिला, चेन्नई जोन में आके मुझे मदुरई कमिश्नरेट मिला, ठीक है। तो मैं पहले या तो चेन्नई जाता, वहाँ रिपोर्ट करता, वहाँ से ट्रांसफर लेके यहाँ आता, या तो मैं डायरेक्टली मदुरई कमिश्नरेट पे रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट करते ही सबसे पहले आप वहां जाएंगे, आपका सारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फिर से होगा, सारी चीजें फिर से चेक की जाएंगी। ध्यान की बात ये रखनी है कि बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान हो गए कि इनको सीजीएल के टाइम के नोटिफिकेशन वाले कास्ट सर्टिफिकेट मतलब नहीं है, इनको न्यू कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है। तो आप लेटेस्ट ईयर का कास्ट सर्टिफिकेट लेके आइएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी, फिर आपसे वो डिक्लेरेशन लिखवाना और ये सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो बेहतर है कि आप अपना न्यू सर्टिफिकेट लेके आए, सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात, कुछ चिंता नहीं करना है, सिंपली आप आएंगे, बैठेंगे ऑफिस में, सब कोई आपको ग्रीट करेगा क्योंकि यू आर द इंस्पेक्टर देयर। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहां पे एक सीनियर ऑफिसर होगा जो आपका ओथ लेगा कि यू विल डू योर ड्यूटी विथ ऑनेस्टी एंड इम्पार्शियलिटी। ओथ लेने के बाद हो सकता है कि एडीजी कमिश्नर से वो आपसे पूछे कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, आपका पास एक्सपीरियंस क्या है, आपकी क्या पढ़ाई है। उसके बाद आपको वहां से नया जोन भेजा जाएगा, हो सकता है कि आपको मदुरई में रख दिया जाए, या मदुरई के 3-4 डिवीजन जैसे दिंडीगल हो गया और त्रिनल वैली हो गया और 2-3 डिवीजन है, तो वो उसकी डिटेल में दे दूंगा आपको मदुरई में कौन कौन सी डिवीजन है। उसके बाद आपको वहां से एक पोस्टिंग मिलेगी, 2-3 दिन लग जाता है, जैसे कि अगर आप मंडे को भी ज्वाइन करते हैं तो आपको 5 दिन लगातार बैठना पड़ता है, क्योंकि फ्राइडे को ही जनरली एलोकेशन होता है कि आप किस जोन में जा रहे हैं, मदुरई में रहना है या मदुरई के बाहर जाना है, रेंजेस जो होते हैं या डिविजन्स होते हैं, सब सब डिविजन्स जो होते हैं। मेरा क्या था कि मैं वहां पर रिपोर्ट किया ट्यूसडे को, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 3 दिन बैठा रहा, फ्राइडे की शाम को मुझे जोन मिल गया कि आई हैव टू गो टू त्रिनल वैली। तो मुझे त्रिनल वैली मिला जो कि कन्याकुमारी से 50 किलोमीटर दूर है, तो मैं बिल्कुल एंड साउथ पे आ गया हूँ। त्रिनल वैली में आपको आएंगे तो वहीं से पता चल जाता है कि आपको यहाँ पे किस ऑफिस में रिपोर्ट करना है, बहुत सारे ऑफिस होते हैं, आप यहाँ आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। कुल मिलाकर के प्रोसेस ये है कि बस आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा और कहीं भी आने जाने के लिए तैयार रहिएगा, ठीक है। ये छोटा सा वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप लोग को जल्दी से क्लैरिटी मिल जाए, आप लोग बहुत जल्दी आने वाले होंगे इधर। अभी मैं एक छोटा सा वीडियो और डालूंगा क्वेश्चन में कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहता है, पहले मैं यहाँ के लोगों के एक्सपीरियंस कर लूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा कि साउथ का एक्सपीरियंस क्या है। बट मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो त्रिनल वैली में इस समय में हूं, इससे अच्छा मैंने नहीं देखा अभी तक, बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड एरिया है। ऑल तो ये जेड सिटी में आता है, बट जेड सिटी इतना डेवलप्ड हो सकता है मुझे नहीं पता था। बिल्कुल ग्रीन, शांत, पॉल्यूशन फ्री, सब कुछ अच्छा है, थोड़ा सा लैंग्वेज बैरियर होता है बट इट्स ओके, सीख लो, जैसे मैंने सीख लिया वणक्कम, नमस्कार, नंद्री, थैंक यू। अगर आप काउंटिंग की बात करें तो, सॉरी दूध गर्म कर रहा था यार, ठीक है, काउंटिंग की बात करें तो वन रेंडे मुन्ने अंजे चार तक काउंटिंग सीखी है, तो सीख जाओगे, कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छी बात यह कि सारे स्टाफ बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव है। मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अपने सारे डॉक्यूमेंट्स लेटेस्ट लेके आना, परफेक्ट लेके आना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, इंजॉय करोगे। अभी मैं चेन्नई के बारे में, जो भी साउथ के बारे में लोगों का परसेप्शन है, उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बनाऊंगा कि मैं ऐसा कैसा फील कर रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो दिख रहा है आपको, ये त्रिनल वैली का किचन है, तो आप समझ लीजिए कि किचन इतना सुंदर, जब थोड़ा सा दिख रहा है तो मैं आपको क्वार्टर दिखाऊंगा तो कितना अच्छा होगा। टाइप 3 क्वार्टर है, बेस्ट क्वार्टर, ऐसा क्वार्टर मदुरई में भी नहीं है, चेन्नई जोन में भी नहीं है।
ऐसा ही क्वार्टर है, आपको क्वार्टर का टूर कराऊंगा मैं एक वीडियो में, मजा आएगा। क्वार्टर से निकलता हूँ, 10 कदम पे ऑफिस है, तो डॉक्यूमेंट सारा डिलीट करके आइएगा, मजा आएगा। बस यही कहना था। चलिए, जय हिंद।